नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उज्जैन में दुर्भाग्यपूर्ण बस हादसा, 3 की मौत, 8 घायल। यह घटना शुक्रवार रात के लगभग 11:30 बजे हुई थी, जब एक इंदौर से जोधपुर जा रही बस गांव फनाखेड़ी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भयानक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 8 लोग घायल हो गए। हादसे के समय बस क्रमांक NL07B0714 अंधे मोड़ पर पलट गई, जिसके कारण यात्री जो बस में सवार थे, जो बर्फीले रास्ते पर बढ़ रहे थे, सभी तरफ से हिल गए। जवानों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई। इस हादसे के पश्चात आर्मी के जवानों ने घायल यात्री गण को बस से निकाला और उनकी त्वचा के बारे में विचार किया। उन्होंने त्वचा जलन, चोट और अन्य चोटों के चिकित्सकीय सुझाव दिए। इसके पश्चात मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भी तुरंत कदम उठाया और जल्दी से बस हादसे की जांच और बचाव कार्रवाई की। जावरा और नागदा के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और सेना के जवान ने मिलकर घायलों को सुरक्षित आसपास के अस्पताल में पहुंचाया और उनका इलाज तुरंत आरंभ किया। बारिश की वजह से रेस्क्यू में चुनौतियां। हादसे के बाद बढ़ती बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी मुश्किल बना दिया। रेस्क्यू टीम को बस के नीचे दबे व्यक्तियों को निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसके बावजूद वो पीड़ितों को सुरक्षित तरीके से बचाने में सफल रहे। घटना की जांच जारी। घटना के बाद उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस ने घटना की जाँच करने का आलम लिया है। हादसे के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए जाँच की प्रक्रिया शुरू की गयी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।